टीजीटी बीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ईएमआरएस जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं, तो उसमें जो वेरियस पोस्ट निकली हुई है टीजीटी पीजीटी और कंप्यूटर टीचर की पोस्ट है, तो उसके लिए जो जरूरी बातें हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या इसमें मतलब फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं? तो इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसमें पॉइंट देख सकते हैं आप। लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ दोज कैंडिडेट वो आर अपियरिंग और हैव अपियर्ड इन एन एग्जाम बट फाइनल रिजल्ट इज अवेटेड, ही शी शुड प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ठीक है, तो इसका जवाब है हाँ। तो मतलब जो भी फाइनल का स्टूडेंट है फिर है तो उसको वो फॉर्म भर सकता है, एलिजिबल है, लेकिन उसको इंटरव्यू के टाइम तक उसका स्कोर कार्ड और जो सर्टिफिकेट आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि जो एसटेट सीटेट होता है वो ज़रूरी है? तो दोस्तों इसमें सेकंड पॉइंट है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी दे शुड हैव वैलिड एसटेट और सीटेट पेपर टू सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एसटेट जो कि स्टेट का किसी भी स्टेट का टेट होता है या फिर सीटेट, तो वो सिर्फ टीजीटी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, और तीसरा सवाल ये कि जैसे कि मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस स्टेट की वैकेंसी है क्या वहीं स्टेट के बच्चे भर सकते हैं? तो दोस्तों इसमें जो पॉइंट देखिए आप, स्टेट 3.6 पॉइंट है, तो इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर शैल बी स्टेट स्पेसिफिक। ठीक है, वेयर द स्कूल्स आर लोकेटेड एंड शैल बी ओपन टू एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, तो इसका जवाब है जैसे मतलब जैसे राजस्थान में कोई वैकेंसी निकली हुई है तो जिसके पास राजस्थान का मतलब राजस्थान गवर्नमेंट का डोमिसाइल इश्यूड किया हुआ है मतलब साइन है तो वही उस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो जैसे राजस्थान की वैकेंसी में हरियाणा का या फिर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, जैसे इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी मिली है उसमें राजस्थान का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एमपी में एमपी वाला ही अप्लाई कर सकता है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये 300 ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं तो उनका जवाब इस वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।